बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों आज हम चर्चा करेंगे 12th क्लास के होम साइंस के पाठ्यक्रम पर। तो वो पाठ्यक्रम में वो कौन से चैप्टर हैं जो आपको याद नहीं करने हैं, वो कौन से चैप्टर हैं जिनको विषय सूची से हटा दिया गया है और एग्जाम में भी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो COVID-19 महामारी के कारण जो विद्यालयों में पठन पाठन का कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, उसके वजह से विषय विशेषज्ञों की समिति के द्वारा पाठ्यक्रम में 30% लगभग 30% कोर्स को कम किया गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं वो कौन से चैप्टर हैं जिनको विषय सूची से हटाया गया है और आपको याद नहीं करना है, ठीक है, और बोर्ड के एग्जाम में भी नहीं आना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं होम साइंस में सबसे पहला खंड क, जिसमें शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा, ठीक है। इसमें पहला चैप्टर है हमारा पोषण में दुग्ध यानी कि दूध का स्थान, ठीक। तो इसमें यानी कि दूध का स्थान, तो ये पहले क्या होता, पहले ये आता था लेकिन अब क्या है, ये चैप्टर इसको हटा दिया गया है, ठीक है। ये आपको अब याद नहीं करना, इसको हटा दिया गया, आपको ये याद नहीं करना, बोर्ड के एग्जाम में भी नहीं आएगा। दूसरा चैप्टर है इसका संतुलित आहार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों ये चैप्टर। और इसमें इस चैप्टर से हर साल लघु बनकर, अति लघु बनकर, दीर्घ बनकर, ऑब्जेक्टिव बनकर आ ही जाता है, ठीक है। अगला है रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। अगला है श्वसन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र। अगला है ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। छठवां चैप्टर है प्रजनन तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इसमें बच्चों ये जो चैप्टर है प्रजनन तंत्र जो पहले आता था बोर्ड में, अब ये चैप्टर नहीं आएगा, इसको हटा दिया गया है पाठ्यक्रम से। और अंतःस्रावी ग्रंथियां ये आपका टॉपिक आएगा, ठीक। अगला है चैप्टर संक्रामक रोगों का नियंत्रण, ये संक्रामक रोगों में ये टॉपिक है। इसमें अशुद्ध वायु से होने वाले रोग, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग और जीव जंतुओं द्वारा संवाहित यानी कि फैलने वाले रोग, स्पर्श द्वारा संवाहित रोग, स्पर्श द्वारा यानी कि छूने से फैलने वाले रोग, ठीक है, ये चैप्टर आपके आएंगे, ठीक है। अगला है 12वां चैप्टर आपका गंदी बस्तियां और उनसे उत्पन्न खतरे, ये चैप्टर जो है आपका हटा दिया गया है, ये अब नहीं आएगा, आपको याद नहीं करना है। 13वां चैप्टर पर्यावरण तथा प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से हर साल प्रदूषण पर, पर्यावरण पर इसका मतलब क्वेश्चन मन के हर साल आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चैप्टर है आपका 14वां चैप्टर स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम और आंदोलन। तो ये पहले आता था आपके कोर्स में था लेकिन अब ये नहीं है, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। 14वां चैप्टर स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम और आंदोलन, अब ये वाला चैप्टर आपको याद नहीं करना है और ये चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अगला 15वां चैप्टर है आपका प्राकृतिक आपदाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्राकृतिक आपदाएं, इसमें हर साल इससे इसमें लघु बनकर, अति लघु बनकर, दीर्घ बनकर, ऑब्जेक्टिव में आ ही जाता है, ठीक है। अब देखते हैं खंड ख, खंड ख में देखते हैं वो कौन से चैप्टर है जो हटाए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो खंड ख में देखते हैं 16वां चैप्टर आता है संयुक्त एवं एकांकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान, तो ये भी चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर करके संयुक्त परिवार को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी एकांकी परिवार दोष आ जाते हैं। अगला 17वां चैप्टर आता है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाल्यावस्था का प्रभाव, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाल्यावस्था का प्रभाव। अगला 18वां चैप्टर है बाल विवाह गुण एवं दोष, बाल विवाह के गुण एवं दोष, ये भी खुला हर साल इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है।
अगला 19वां चैप्टर है विवाह के लिए शारीरिक एवं वैधानिक योग्यताएं, ठीक है। अगला है 20वां चैप्टर है वैवाहिक समायोजन, तो ये चैप्टर इसको हटा दिया गया है, ये चैप्टर आपको याद नहीं करना है, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। अगला है दहेज समस्या और उनका उन्मूलन, दहेज समस्या और उनका उन्मूलन, तो इससे ये भी मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है और याद करना है बच्चों इस चैप्टर को। अगला है सामाजिक विषमताओं तथा विच्छेदनों का निराकरण, तो ये चैप्टर बच्चों आपको याद नहीं करना है, आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, तो इसको नहीं याद करना, ठीक है। अगला है शिशु की देखभाल, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगला 24वां चैप्टर शिशु मृत्यु दर की समस्याएं, शिशु मृत्यु दर की समस्याएं। 25वां चैप्टर बाल कल्याण का आधुनिक संगठन या अभियान, ठीक है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, आपको याद करना है। 26वां चैप्टर परिवार कल्याण और परिवार नियोजन, ये बच्चों आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, पहले आता था लेकिन अब ये चैप्टर नहीं आएगा, तो ये आपको याद नहीं करना है, कौन सा, परिवार कल्याण और परिवार नियोजन, ठीक है। अब ये बात आती है कि किताब में जो बुक्स होती हैं, मतलब एक कोई डिसेंट की है तो कोई कैलामा की प्रकाशन की है तो कोई किसी, तो सब में टॉपिक किसी में इन टॉपिकों को, जैसे कि हमने ये ले लिया विवाह के लिए शारीरिक एवं वैधानिक योग्यताएं, ठीक है, और उसके अंदर टॉपिक दे दिया वैवाहिक समायोजन, दहेज समस्या और उनका उन्मूलन, ठीक है, तो किसी किसी में इनको शॉर्ट कर दिया गया है, टॉपिक वही है, टॉपिक को अंदर ले लिया है और किसी में इनको चैप्टर के रूप में रख दिया गया है, ठीक है। अब आती है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल टॉपिक क्या क्या है, आपको क्या तैयार करना है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल बच्चों एज इट इज है, जैसे पहले होते थे वैसे ही प्रैक्टिकल होंगे, कोई सेम टॉपिक है इसमें, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जैम जेली सॉस मार्ले और दूध से बनी मिठाइयां बनाना, ठीक है, तो इसमें सभी प्रकार की मिठाइयां आ गई आपके जो कोर्स में है, जैसे कि दूध से बनी मिठाइयां, जैसे जो सारी मिठाइयां आ जाएंगी, ठीक है आपकी। और दूसरा है सिलाई, सिलाई में आपको ब्लाउज पेटीकोट और कुर्ता पायजामा और फ्रॉक, सादा फ्रॉक जो कि 1 साल के बच्चे के लिए बनवाई जाती है, ठीक है। और अगला है टॉपिक विभिन्न वस्त्रों की ड्राफ्टिंग एवं सिलाई तथा कढ़ाई के विभिन्न टांके, ठीक है, तो इसमें कढ़ाई के जैसे कि मेज कोश तैयार कराना, मेज कोश है और बेडशीट है, आपके 6 रुमाल हो गए जो कि कढ़ाई से बनाए जाते हैं, उन पर कढ़ाई करवाई जाती है। ड्राफ्टिंग यानी कि जो आपको आपके कोर्स में, जैसे कि अभी मैंने बताया ब्लाउज और फ्रॉक और पेटीकोट पाजामा कुर्ता, इनकी ड्राफ्टिंग आपको बनानी है और फाइल में लगानी है, ठीक है। उसके बाद ओरल का जो वो होता है ओरल वाइवा, जिसको मौखिक प्रश्न उत्तर जैसे पूछेंगे, तो आपको जिस तरीके से आपने ये प्रैक्टिकल तैयार किया उसी के आधार पर आपको प्रश्न किए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको इनकी तैयारी अच्छे से करनी है। तो ये था बच्चों आपका ये 12th क्लास के होम साइंस में पाठ्यक्रम, तो आपको इस तरीके से तैयार करना है, जिन चैप्टरों को हटा दिया, जिन चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं उनका अध्ययन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।